तो फिर से धन्यवाद देते हुए आज परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता प्रसंग के अंतर्गत आज हम 15वें अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक पे हैं। कृपया शांति बनाए रखिए, जिनको जाना है चले जाइए शांति से। ठाकुर जी का सन आरती ठीक 8:30 बजे होंगे। जब तक इंतजार करना है तो यहाँ पे भगवत कथा श्रवण कीर्तन में भाग लेना चाहें तो आप कृपया शांति बनाए रखिए और विराजमान करिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्याख्या की जा रही है भगवान के द्वारा। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। हाँ, कृपया शांति बनाए रखिए। हरि बोल। तो आज का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर है। इसमें बहुत ही बड़ा संदेश छुपा हुआ है। इस श्लोक के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में रचना किए हैं। तो ये जो है ये संसार, इसके पहले वाले श्लोक में भी भगवान बताएं ऊर्ध्व मूलम अधम शाख। ये संसार एक वृक्ष के साथ तुलना की गई है और ये वृक्ष का जो जड़ है ये ऊपर है। आप सोचिए, जिस वृक्ष का जड़ ऊपर होता है और उसके शाखाएं टहनियां फल फूल सब नीचे होता है, वो किस तरह का वृक्ष होगा। यही है भगवान की अद्भुत सृष्टि जिसमें हम वास कर रहे हैं। तो ये जो वृक्ष है इसका जो असली जड़ है वो ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी है। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है ये भौतिक ब्रह्मांड का सबसे पहला जड़ है, उससे ही ये सारा भौतिक संसार विस्तार हुआ है। देवता ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर चारण यक्ष मनुष्य नाग जितने भी सब है ये सब वृक्ष के शाखाएं हैं और असली जड़ है ब्रह्मा जी। और इस वृक्ष का जो बीज है वो भगवान है। बीजमाम सर्वभूतानाम, भगवान बताते ना भगवद गीता में, मैं ही सबका बीज हूं। जैसे आजकल तथा कथित बुद्धिमान लोग तर्क करते हैं, कहते हैं कि अगर उनको बताओ कि पेड़ से बीज आता है तो बोलेंगे बीज कहां से आया, बिना पेड़ का बीज कहां से आया। तो उनको बोलेंगे चलो बीज से पेड़ आया, तो बोलेंगे पेड़ कहां से आया। पेड़ बोलो तो बीज बोलेंगे, बीज बोलो तो पेड़ बोलेंगे। तो कहां इसका मूल है, भगवान बोलते बीजहम सर्वभूतानाम। एक श्लोक है ना, भगवान बताते हैं क्या, सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा तस्म ब्रह्म महज्जोनि निरहम बीजपद पिता एंड द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। तो भगवान सबका बीज है और उस बीज का सबसे पहला जो जड़ है वो ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी से सभी जीव, जैसे मैंने आपको गिनाया, ये सब विस्तार होते हैं और ये सब ये उल्टा वृक्ष में फंस जाते हैं। ये जो वृक्ष है ये बहुत खतरनाक है।
इस वृक्ष में यहां कहा गया है, ये वृक्ष में, ये उपनिषद में भी एक ऐसे ही श्लोक आया, द्वा स्वपर्णा स्वयाजा सखाया समान वृक्षे परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलाम स्वादु अत्यनश्नन अभिचा कशित। भगवान जो है ये जीव रूप पक्षी के साथ साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में। द्वा स्वपर्णा स्वयाजा सखा है भगवान हमारे, और ये संसार रूप वृक्ष के अंदर जितने भी हम सभी जीव है उनके हर एक जीव के साथ भगवान परमात्मा के रूप में, दूसरे पक्षी के रूप में रहते हैं और साक्षी के रूप में रहते हैं। और हम क्या करते हैं, क्या किए हैं, क्या करेंगे, ये सब उनको पता होता है। एक सूत्र के बराबर हम आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जकड़े हुए हैं हम। और भगवान ने उनके जो नियम है उसके अंदर में हम लोग हैं। ऐसे भागवत में तो बताया जाता है कि एक एक आदमी के पीछे 11 कैमरा लगाया हुआ है, 12 कैमरा। अब कहां जाएगा वो, जब उसको पनिशमेंट होता है तो गवाही होती, जैसे कोर्ट में कोई क्रिमिनल होता है जो कोई गुनाह करता है तो कोर्ट में ले जाया जाता है, पुलिस लोग उसको जेल में डालते हैं, फिर कोर्ट में जाता है, जब उसको प्रमाण होता है तो गवाही की जरूरत पड़ती है। लेकिन भगवान का जो कोर्ट है, जमराज के पास जब जाते हैं तो 12 साक्षी आते हैं हमारे पास, और वो पूरा जैसे क्रिकेट में आउट होता है ना, बोल्ड होते हैं तो उसमें दिखा देते हैं, रिवर्स करके दे, देखो ऐसे जाता है बॉल, ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे क्लीन बोल्ड हुआ, ऐसे दिखाया जाएगा आपको क्या हम कर रहे थे संसार में, किस तरह से दारू पी रहे थे, किस तरह से गलत काम कर रहे, झूठ बोल रहे थे, ठग रहे थे, इस तरह से सब। ये बहुत सूक्ष्म नियम है। तो संक्षेप में जाएंगे तो भगवान हमारी हर कर्म के साक्षी है, और इस वृक्ष के ऊपर जितने भी जीव है वो हर एक जीव के साथ साथ वो एक परमात्मा के पक्षी के रूप में रहते हैं। वो भोग नहीं करते हैं, हम लोग भोगते हैं, वो विटनेस साक्षी के रूप में रहते हैं। और हम लोग ये वृक्ष के जो फल फूल है, फल फूल रूपी ये इसके कंपैरिजन है, विषय वासना जो हम लोग भोग करना चाहते हैं ये संसार को, तो इस जो हमारी जो इच्छा है भोग वासना का काम भावना है, यही इस वृक्ष का जो है इससे ही ये हमारी शुरुआत होती है। और ये जो वृक्ष है ये पोषण होता है तीनों गुणों द्वारा, सतगुण रजगुण तमगुण। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस जगत में जो इस गुणों के बंधन से बाहर है। वो हो सकता है ये तीनों गुणों में से कहीं इनमें से कोई एक में होगा, सतगुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, तमोगुण में हो सकता है, उसके एक्टिविटी के अनुसार उसको पता चलता है कि कौन सा गुण में है। लेकिन हर व्यक्ति वो गुण के जकड़ में है, और वो जो कर्म वासना करता है, कर्म करने की इच्छा करता है, वो काम करता है, वो गुणों के माध्यम से वो ही इस वृक्ष को विस्तार करता है। हमको चाहिए कि उस वृक्ष से हमको उड़ जाना है, उस वृक्ष को और विस्तार नहीं करना है, वहां पे आसक्त होकर के हमको वहां रुकना नहीं है। क्योंकि अगर हम इस वृक्ष में रुकेंगे हमारी ये जो कर्म बंधन है ये अनंत काल तक हमको ये संसार रूपी वृक्ष में दुख प्रदान करते रहेगा। दुख क्या है, ये संसार रूपी वृक्ष में जो हमको दिखाई देता है, वास्तव में जो हमको लगता है कि हाँ ये बहुत सौंदर्य है, इसमें बहुत सुख है, आनंद है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो हमारे मन में उसका मान्यता है इसलिए वो ऐसा हमको लगता है। लेकिन कुछ क्षण के बाद वो महसूस हो जाता है, हम प्रैक्टिकल मालूम चल जाता है हमको कि इसमें सुख नहीं था, आनंद नहीं था, मैं फंस गया। ठीक उसी प्रकार
इसीलिए भगवान हमको ये बताते हैं कि देखो मेरे बच्चों, मैं आपका हर कर्म को नोट कर रहा हूं और ये मैं समय आने पर इसका फल भी आपको दूंगा। निश्चित रूप से वो फल हमको मिलेगा, भगवान हमको प्रदान करेंगे, लेकिन हमें याद नहीं रहेगा। लेकिन भगवान हर जीव के, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, उसका भूत भविष्य वर्तमान हर एक सेकंड का उनके पास जानकारी है, उनको पता है, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। अगर हमको याद रहेगा तो हमारी क्या हालत हो जाएगा, हमको याद इसलिए भगवान भुला देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, इसी जीवन का अगर हमारा कोई इंसिडेंस ऐसा 3 साल पहले हुआ, जैसे हम उसको सोच सोच के हमारी बीपी बढ़ा देते हैं, हमारी मन जो है, दिमाग उसको सोचता है 3 साल पहले ऐसा इतना बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार सोच सोच के हम अपने दिमाग खराब कर लेते हैं। अगर अनंत जन्मों का वो सब याद आ जाए तो हम लोग तो लड़ भिड़ के मर जाएंगे। अभी बोलेंगे, अरे ये मेरा जमीन था, ये उसका हो गया, ये कैसा, ये मेरा बीबी था, उसका हो गया, अरे ये मेरा क्या है, उसको हालत खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान भुला देते हैं। तो इसलिए हम लोग सनातन है और ये संसार और ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, लेकिन ये एक दिन छूटेगा, लेकिन फिर भी हम इसी को अपना मान बैठे हैं, इसी को ऑल इन ऑल मान बैठे हैं। भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारा वास्तविक संबंध किसके साथ है, हमारा जीवन का असली उद्देश्य है, हमारा रियल लाइफ कहाँ है, ये पता नहीं हमको। ये संसार का जो सुख है, ये सुख नहीं है। ये सुख कैसा है, ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे ये एक दुख निवृत्ति का बात है खाली। जस्ट जैसे कोई चप्पल पहना है, वो बहुत टाइट जूता है, आपको कष्ट हो रहा है चलने में, लेकिन जैसे उतार दिया आपने घर जाकर के रात को, आराम हो गया। ये संसार का सुख वैसे ही है, वो सुख नहीं है, वो दुख से छुटकारा है। श्री श्री राधारास बिहारी ललिता विशाखा सखी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, श्री गौरनिताय की, प्रभुपाद की। लेकिन हम इसका जानकारी नहीं लेते हैं, वास्तविक सुख क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, ये संसार किसने बनाया, हमको क्यों भेजा गया है, कहाँ हमको जाना है, क्यों हम मर रहे हैं, बुढ़ापा क्यों आती है, रोग बीमारी इतने सारे तकलीफ बार बार हमारे को नहीं चाहने पर क्यों आ रही है, जन्म लेना पड़ता है, इतने सारे तकलीफ, सर्दी गर्मी, मान प्यास, मान सम्मान, भूख प्यास, हाँ, कितने सारे दुख है। लेकिन हम सोचते हैं, हम तो ऐसे समझते हैं कि हम मरने वाले ही नहीं है। ऐसे तुलसीदास जी लिखते हैं, सब आयु मिलाकर पंच दशा, कल्पांत न जान मानसा। यूं ही चुटकी से ये समय निकल जाता है, लेकिन हम सोचते हैं हम कभी जाने वाले नहीं है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य, अगर हमारे जिंदगी में कुछ है तो यही है। ये मैं है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरे पास रहेगा, तो ये बुद्धि का विपर्यय हो गया। इसको बोलते विपर्यय बुद्धि। और ये इतना गहरा हो गया है ये बुद्धि का विपर्यय, अगर भगवान खुद भी आके समझाएंगे, समझा ही रहे हैं, ये गीता क्या है, भगवत गीता मतलब खुद ही समझा रहे हैं ना भगवान, तो भी हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं,
आपको पता नहीं यहां पे सुख है। अगर भगवान भी बोलेंगे ना, देखो बच्चों यहां पे कोई आनंद नहीं मिलेगा, मुझे प्रेम करो और मेरे पास आ जाओ, हम भगवान को भी समझा देंगे। भगवान आप कभी पीवीआर गया है, जू चौपाटी गया कभी, उनको बता देंगे। ऐसी बुद्धि विपर्य हुई है हमारी, इसलिए हर कोई किसी चीज को प्राप्त करने के लिए त्याग तो जरूर करना पड़ता है। और ये जो हम ये संसार वृक्ष का जो फल फूल और ये जो वृक्ष को देख करके हम आकर्षित होते हैं, इसको त्यागना होगा, तभी जाकर के हम ये संसार जो उल्टा वृक्ष है इस बंधन से हम छूट करके भगवान के धाम में जा सकते हैं, अपने घर में जा सकते हैं। अभी देखो पशु पक्षी जितने भी पशु हैं, नीच जोनिया है, वो लोग सब धीरे धीरे करके मनुष्य जीवन में आ रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन पा करके हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, फिर उल्टा पशु जोनियों में हम लोग वापस जा रहे हैं। ये सच बात है। मैं एक आपको एक सुनाता हूं हिस्ट्री। एक इतिहास में ईसाई धर्म में एक राजा हुए जिनका नाम था इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। उनका एक पत्नी थे और एक 5 साल का बच्चा, बच्चा का नाम था इजराइल। तो एक बार खुदा ने उनका सपनों में आए और बोले कि देखो आपका जो पत्नी और आपका जो बच्चा है, इनको ले जा करके आप रेगिस्तान में छोड़ाओ। तो हजरत इब्राहिम ने सोचा कि खुदा का ऐसा आदेश आया है, जरूर पालन होगा। तो उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को बुलाया कि बोला देखो ये खुदा का आदेश है। तो उनके पत्नी और बच्चे बोले अगर खुदा का आदेश है तो जरूर पालन कीजिए। तो हजरत इब्राहिम ने बच्चे और उनके बीवी को लेकर के रेगिस्तान में किसी जगह में, जिस स्वप्न जिस जहां छोड़ने के लिए आया था वहां छोड़ दिए। और भगवान तो सबका योगक्षम वहन करते ही है, और उन्होंने किसी को भेज दिया। और कुछ साल बीत गया, बाद में कुछ सालों के बाद फिर सपने में आए खुदा और हजरत इब्राहिम को बोले कि देखो अब तुम्हारे बच्चे और बीवी बड़े हो गए हैं, और जा करके उनको ले आओ, और आपके बेटे को, बेटे का जो सर है वो मेरे सामने उसको बलि चढ़ाओ। तो हजरत इब्राहिम ने सोचा अगर खुदा का ऐसी आदेश है तो जरूर पालन होगा। तो उन्होंने जाकर के अपने बीवी और बच्चे को लेके आए रेगिस्तान से, और उन्होंने कहा देखो बेटा खुदा का ऐसा आदेश आया है। तो बेटा ने कहा आपकी ऐसी, अगर ऐसी खुदा का आदेश है तो जरूर जरूर पालन कीजिए। तो उन्होंने, हजरत इब्राहिम ने खुले आंख से अपने बेटे को नहीं मार सकते थे, अपने आंखों में पट्टी बांध लिया और हाथों में अपने बेटे को झुका करके जैसे ही उन्होंने तलवार लेकर के मारना चाहा और मारा, तुरंत भगवान ने उस बच्चे को हटा करके एक बकरे को उधर रख दिया।
तो जब हजरत इब्राहिम ने पट्टी खोला तो देखा तो एक बकरे का गर्दन कटी हुई है। इसी के उपक्रम में बकराईद मनाया जाता है, बट लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। तात्पर्य यह है कि भगवान को पाने के लिए सब कुछ समर्पण करना होगा, लेकिन लोग उसको उल्टा समझा कि बकरा ईद है, बकरा का गर्दन काट दो। ऐसा नहीं है। तो भगवान को समर्पण किए बिना हम लोग ये संसार वृक्ष, जो भयानक वृक्ष में हम लोग फंस गया है, इसका आगे पीछे नहीं है। ये कहा, इसका जड़ तो जैसे कोल्हों का बेल होता है ना, आज के साइंटिस्ट लोगों भी अगर इसका अनुमान लगाएं, इसका कहां लंबा चौड़ा कितना, कहां इसका शुरुआत एंड है, इसको पता नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को ये कोल्हों की बेल जैसा घूम घूम के एक ही जगह पे उधर घूमना, वो कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को ये संसार में भगवान कह रहे हैं कि यहां से वैराग्य करो। हम लोग राग में है, ये संसार में हम लोग राग में है, और इस राग से हमको अनुराग की तरफ तक जाना पड़ेगा वैराग्य के माध्यम से। अभी हम लोग राग में है, वैराग्य के माध्यम से अनुराग के तरफ जाना पड़ेगा। मिलही ना राम बिनु अनुरागी किए जप जोग, ऐसे है ना, तुलसीदास जी लिखते हैं। चाहे आप योग कीजिए, जप कीजिए, तपस्या कीजिए, कुछ वैराग्य कीजिए, भगवान नहीं मिल सकते जब तक अनुराग नहीं होगा। अनुराग बहुत जरूरी है। तो अनुराग होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग का अनुराग नहीं होता है। हम लोग क्या होता है, अनुराग नहीं होता है भगवान के प्रति, वैराग्य भी नहीं होता है, महाराग होता है ये संसार के प्रति। एक समय सापेक्ष है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा पुराणों से, आप लोग समझ जाइएगा। प्रहलाद महाराज आप लोग सब जानते हैं, जब 5 साल के थे भगवान नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए और संपूर्ण विश्व आसुरी हिरण्यकशिपु जैसे महान भयानक आसुर साम्राज्य था, और उस समय देवता लोग परेशान थे, संसार में कोई भी सज्जन नहीं जी सकता था, डिमोनिक पावर। तो भगवान नरसिंहदेव ने वो सभी बड़े बड़े असुरों को, हिरण्यकशिपु जैसे, उनको समाप्त करके प्रहलाद महाराज को ये पृथ्वी का राज्य सौंप दिया, और उनको कोई वरदान नहीं मानते थे प्रहलाद महाराज, फिर भी भगवान ने उनको 36,000 वर्ष एक मन्वंतर तक उनको राज्य करने के लिए नियुक्त किया था। जब समय पूरा हो गया तो भगवान ने विमान भेजे, बोले प्रहलाद अब तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे लोक में आ जाओ। तो प्रहलाद जी बोले कि देखो, मेरे जो प्रजा है ये मेरे को प्राण प्रिय मानते हैं, अगर आप मुझे अपने धाम में लेना चाहते हो और मैं जाकर के वहां दिव्य आनंद का उपभोग करूं, और ये संसार में मेरे प्रजा यहां परेशान हो,
ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आऊंगा विथ पब्लिक, मेरे प्रजा के साथ ही आऊंगा। भगवान बोले, अरे प्रहलाद, आपके प्रजा में से मेरे पास कोई आना ही नहीं चाहता है। प्रहलाद महाराज बोले, प्रभु आप एक बार परमिशन देके तो देखिए। भगवान ने बोले, ठीक है मैं परमिशन देता हूं, जो भी आना चाहे आप उनको साथ में ले आइए। तो प्रहलाद महाराज मंत्रियों को बोले, देखो लिस्ट तैयार करो। तो मंत्रियों ने लिस्ट तैयार करके और राज्य में प्रवेश किया और सबसे पहले जिसके घर में गए, बोले अच्छा हम गोलोक के वैकुंठ जाने की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, क्या आप जाओगे? तो उसने कहा, अरे गोलोक का नाम मत लो, अभी मेरी सगाई हुई है, 4 महीने के बाद मेरी शादी है, मैं गोलोक चला जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्रियों ने कहा चलो आगे चलते हैं। दूसरे घर में गए, दूसरे घर में बोले कि अच्छा हम लिस्ट बना रहे हैं वैकुंठ जाने के लिए, जहां कोई दुख नहीं हो। कुंठ मतलब दुख, वैकुंठ का मतलब जहां दुख ना हो, यहां पे तो दुख है। बोलते अरे वैकुंठ का नाम मत लो, मेरा अभी अभी शादी हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के मैं वैकुंठ चला जाऊंगा? मंत्रियों ने कहा अच्छा चलो आगे चलते हैं। और एक जन के घर में गए, बोले वैकुंठ का नाम मत लो, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अभी मैं वैकुंठ चला जाऊंगा, मैच कौन देखेगा? मैंने क्या लगाते हो, सट्टा लगा देना, बोले इतना लाख का लगाया हूं। इस तरह से प्रहलाद महाराज बड़ा लज्जित हुए। तो भगवान ने बोले, देखो प्रहलाद, आपके राज्य में अगर कोई पशु पक्षी भी आना चाहे तो उनको भी ले आओ। तो प्रहलाद महाराज ने मंत्रियों को आदेश दिया, रिवाइज लिस्ट बनाओ। तो बहुत मुश्किल से एक सुअर राजी हो गया। तो प्रहलाद महाराज ने बोले, हे भगवान, डूबते हुए को एक तिनका का सहारा मिला। तो सुअर ने लेकिन कंडीशन रख दिया, बोला देखो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरा साथ में जो सुकरी है और 6 बच्चे विथ फैमिली टिकट चाहिए। तो बोले ठीक है। प्रहलाद महाराज बोले ठीक है करवा देंगे, आ जाओ। तो विमान के ऊपर प्रहलाद महाराज जाके चढ़े और पीछे पीछे सुकर और सुकरी और 6 बच्चे। और प्रहलाद महाराज जैसे विमान में विराजमान हुए और प्रहलाद महाराज बोले चलो चढ़ो, सुकर बोला नहीं रुको। अब क्या हुआ? बोले पहले पूरा क्लियर कर लो भगवान के साथ, अभी मैं जो यहाँ पे जो लैट्रिन पाखाना और बिस्टा खा रहा था वो वहां मिलेगा कि नहीं? प्रहलाद महाराज बोले, अरे तुम भगवान के लोग जा रहे हो, तुमको पाखाना के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं है? सुकर ने बोला, अरे तुमको क्या पता उसमें क्या मजा है, एक बार चख के तो देखो। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि सुअर पागल था बिल्कुल, लेकिन हमारी तो ऐसे ही आदत है ना। एक शराबी को पूछो, वो बोलता है अरे शराब को क्यों बदनामी कर रहे हो, शराब में क्या मस्ती है, पीके तो देखो। एक जुआरा बोलता है, अरे जुआरी को क्यों बदनाम कर रहे हो, उसमें क्या नशा है, जुआ खेल के तो देखो। ये हमारी हालत है। ऐसा नहीं है कि ये भवबंधन, ये जो संसार का जो भयानक विचित्र वृक्ष है, इसमें फंसे हम इसमें निकाल नहीं सकते हैं, इसमें निकला जा सकता है बहुत ही सरलता के साथ, लेकिन हम निकलना नहीं चाहते। और इसका कारण क्या है? इसका कारण भी है, क्या है?
कि हमारे स्वरूप जो है, आइडेंटिटी जो है, हम लोग भुला दिया है। हम ये शरीर नहीं है, ये बात हमको पता नहीं है। अगर हम समझ जाएंगे कि हम चिन्मय सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण का अंश है, हमको दुख छू भी नहीं सकता है। हम ये संसार के माला में क्यों फंस करके दुख उठा रहे हैं, सुख पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दुख का पहाड़ टूटता जा रहा है, क्यों? अगर हम ये मस्तिष्क में हमारे फिट हो जाएगा तो हम पागल होकर के भगवान के पीछे भागेंगे। ये सच बात है कि नहीं है? तो हमारी हालत ऐसी है। तो यहां पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर है, ये क्यों मंदिर बनाया गया? अभी हम लोग जैसे डायबिटीज का मरीज होता है ना, उसके लिए कोई भी मिठाई खतरनाक है, चाहे वो कहां से भी मंगाए, बढ़िया सा बढ़िया रसगुल्ला उसके लिए खतरनाक है। उसी प्रकार हम लोग ये भव संसार में रोगी हुआ है, ये संसार में जो आसक्ति है, इनको जो अपना मान करके उनको प्रेम करना, ये मिठाई की बराबर है, जानलेवा खतरा है। इसीलिए हम लोग को ये संसार में केवल ड्यूटी निभाना है अनासक्त हो करके। आप बोलेंगे क्या ये संसार में माँ बाप भाई बहन ये सबको प्रेम नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों? क्या ये पाप है? हाँ पाप है। क्यों? वेद नहीं कह रहा है, वेद कह रहा है संसार में हम लोग इधर भेजे गए हैं एक दूसरे को प्रेम करके आसक्त होकर इधर अपना मनाने के लिए, नहीं अपना मन ही नहीं सकते हो, इधर रह नहीं सकते हो, इधर ड्यूटी करो, आपने जिसके प्रति जिसका ड्यूटी अच्छी तरह से करो, लेकिन भगवान के प्रति अपना प्रेम आसक्ति अपना मान करके किस तरह से ये वृक्ष जो है संसार वृक्ष से निकल करके भगवान के धाम में चले जाएं। और वेद केवल भगवान को प्रेम करने का आदेश दे रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा, जोर से बोलेंगे, जिनके पास बोलने की शक्ति है वो मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, समस्त वैष्णव वैष्णवी भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।